आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चना देगी बिरयानी की। कराची की मशहूर फेमस बिरयानी चिकन चना आलू की देगी बिरयानी की रेसिपी। तो चले हैं रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार यम्मी डिलीशियस बिरयानी रेसिपी। तो आ जाए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज निकहत की रेसिपी बनने जा रही है जी मज़ेदार सी कराची की मशहूर चिकन चना आलू देगी बिरयानी। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ होममेड मसाले के साथ, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। और रेसिपी बताने से पहले वही हम बस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके बस पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जी 4 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया, उसको रफली चॉप कर लिया है। साथ ही हमने 5 अदद टमाटर लिए हैं, उसको भी रफली चॉप कर लिया है। ठीक है, रेसिपी अगर आप मेरी मिकदार से बना रहे हैं तो बिल्कुल सही फॉलो कीजिएगा, और अगर आपने कम ज़्यादा करनी है तो इसमें से आपने चीज़ों को कम ज़्यादा करना है। साथ ही मेरे पास ये 1/2 किलो बॉयल चने हैं, इसको मैंने फ्रीज़ करा हुआ था, बॉयल चने हैं। और साथ ही 1.5 किलो मेरे पास जो है चिकन है, ठीक है। और साथ ही हमारे पास होममेड बिरयानी मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मेरे चैनल पर तमाम मसालों की रेसिपी मौजूद है, आप बना के ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो यहाँ मैंने लिया है ये 8 टेबल स्पून, ठीक है। मैं अपनी बिरयानी के हिसाब से मैंने 8 टेबल स्पून लिया है। साथ ही है लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 3 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, 1.5 बंच लिया था लहसुन का जो पोती होती है यानी कि जो बंच होता है वो लिया था, और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें। यहाँ मैंने सिंपल आलुओं को बॉयल करने रख दिया है, हल्का सा फूड कलर डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1.5 कप डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल, और साथ ही हमने जो प्याज काटे थे वो प्याज हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको हमने करना है गोल्डन फ्राई। तो यहाँ मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाला है, आप जो सा भी ऑयल जो है डालते हैं वही ऑयल डालते हैं। 1.5 कप डाला है मैंने, और 2 किलो मेरे पास सिला राइस है, उसको मैंने भिगोने रख दिया था, धोकर अच्छे से भिगे हुए हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट पहले हम भिगो देते हैं बिरयानी बनाने से पहले, तो उससे अच्छा रिजल्ट निकलता है चावल का। तो 2 किलो मेरे पास सिला राइस है, 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, 1/2 किलो मेरे पास चने हैं, तो टोटल ये हो गए 4 किलो, और 1/2 किलो मेरे पास है आलू, ठीक है। 4.5 किलो की बिरयानी है, और मसालों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल ये 5 किलो की बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ जी इसमें से हमने थोड़ी सी प्याज निकाल लेनी है, ये हम जब दम पे चावल लगाते हैं तो उस टाइम पर डालते हैं, इससे अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी। तो थोड़ी सी प्याज हमने इसमें से निकाल लेनी है, और बाकी प्याज में हम डालेंगे तमाम मसाले। और रेसिपी को आप स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से रेसिपी को वॉच कीजिएगा, बड़ी मेहनत से रेसिपी बनती है। अगर मेरी रेसिपी में आपको दिलचस्पी है तो फुल वॉच कीजिए, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगती तो आप छोड़ के जा सकते हैं। और जो मेरे पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितनी भी मेरी फैमिली है मेरी वीडियो को वॉच करती है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है, उनका दिल से शुक्रिया। और जो मेरे नए मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़े हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। तो यहाँ जी हमारी प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी चिकन। तो चिकन को हमने जब अभी देखें पिंक कलर है, जब ये वाइट की तरफ चला जाएगा तो इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ जी हमने चिकन को 2 से 3 मिनट भूनना है, तो उसमें ही हमारी जो चिकन है इसका कलर चेंज हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। तो यहाँ जी हमने बड़ा बर्तन लिया है ताकि जब हम इसमें चावल का दम लगाएं तो हमारा चावल दबे नहीं। जब भी आपने चावलों को दम लगाना होता है तो उस हिसाब से आपने बर्तन को थोड़ा बड़ा लेना होता है। अगर आप छोटे बर्तन के अंदर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल दम लगाएंगे तो वो दब जाता है चावल और खिला खिला नहीं पकता। जब भी आपने चावल या बिरयानी कोई भी बनानी हो तो आपने खुला बर्तन लें। यहाँ जो मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट पीसा था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट, और उसके बाद दूसरी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप सबके सपोर्ट की प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ जी देखिए हमने 2 मिनट इसको भून लिया था लहसुन अदरक जो हमने डाला था, साथ ही हमने डाल दी है इसके अंदर टमाटर, ये मैंने 5 अदद टमाटर लिए थे, ठीक है। इसको भी हम इसके अंदर डाल के अच्छे से भूनेंगे। देखिए मैं इसके अंदर जो है चिकन के अंदर पानी ऐड नहीं करती क्योंकि टमाटर भी अच्छे से पानी छोड़ते हैं, और हमने जो चिकन जो है धोया होता है उसको उसके अंदर भी अच्छा खासा पानी जब सो जाता है चिकन के अंदर, तो बिरयानी के अंदर जो है हम पानी नहीं डालते। यहाँ मेरे पास ये 8 टेबल स्पून होममेड बिरयानी मसाला है, और ये हमने डाला है इसके अंदर।
तो टोटल तकरीबन 4.5-5 किलो मेरी बिरयानी की रेसिपी बनकर तैयार होगी। उस हिसाब से मैंने इसके अंदर डाला है 8 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। अगर आप घर का बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप बाहर का बिरयानी जो पैकिंग वाले डब्बे वाले बिरयानी मसाले आते हैं, हर तरह की कंपनी है, तो अगर आपने इतनी क्वान्टिटी में बिरयानी बनानी है और बाज़ार का मसाला इस्तेमाल करना है, तो जो बाज़ार में एक बिरयानी का मसाला बड़ा साइज़ का मिलता है उसमें 2 पैकेट निकलते हैं और एक सिंगल पैकेट का मिलता है, तो आपने जो बड़ा वाला जो जिसमें 2 पैकेट निकलते हैं वो मसाला आप इसमें डालेंगे तो आपकी बिरयानी का जो जायका है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, इतनी क्वांटिटी में 2 किलो राइस है, 1.5 किलो चिकन, 1/2 किलो चने हैं और 1/2 किलो आलू। ठीक है, अगर आपने बाज़ार का मसाला इसमें डालना है, और अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो जो सिंगल 1 पैकेट वाला मिलता है तो वो आप ऐड कर दें। तो यहाँ देखें हमारी चिकन में से काफ़ी सारा पानी निकल गया है, अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। तो यहाँ मैंने कवर हटाया, ये देखें चिकन हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी चने और आलू। आलू भी मैंने बॉईल कर लिया था, आपको बताया था, तो ये आपको जो ऑरेंज कलर आ रहा है ये मेरे बिरयानी मसाले में डाला हुआ है, क्योंकि जो देगी बिरयानी होती है उसमें आपने देखा होगा चिकन और आलू के ऊपर फूड कलर लगा होता है, उससे जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मेरे बिरयानी मसाले में फूड कलर डाला हुआ है, जब मैंने तैयार किया था बिरयानी मसाला उसी टाइम पर मैं ये फूड कलर ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप बाज़ार के डब्बों वाले जो है बिरयानी मसाले ले रहे हैं उसके अंदर ये फूड कलर नहीं होता, तो आप जो है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो यहाँ मेरे पास बॉयल चने थे फ्रीज हुए हुए, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद जो हमारे बॉयल आलू हैं वो भी हम इसके अंदर डालेंगे, तो हमारा ये बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। और दूसरी साइड पर हमने चावलों को सिंपल बॉयल करने रख दिया है। चावल को बॉयल करना सबको आता है। मैंने सिंपल पानी के अंदर जी नमक डाला है और सिरका डाला है 4 टेबल स्पून, उससे चावल खिला खिला रहता है और चावल की लेंथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे दूसरी साइड पर जो है चावल बॉयल हो रहे हैं, उसको बॉयल करके हम स्टैंड कर लेंगे और फिर हम डालेंगे अपनी इस बिरयानी के अंदर। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से इसको भून लिया है, जो थोड़ा बहुत भी लिक्विड था वो अच्छे से इसमें से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारे आलू थे वो आलू ऐड करेंगे, तो ये हमारा जो है बिरयानी मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ इसके अंदर हमारे मसाले ऐड करेंगे, यहाँ मैंने थोड़ा डाल दिया धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और नींबू के स्लाइस डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी और उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी जी आलू। तो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनेगी, घर में देख तो नहीं होती लेकिन देख का मज़ा हम घर में इस तरह से बनाकर हासिल कर सकते हैं। जब आप इस तरह से बिरयानी को तैयार करेंगे तो खाने वाले यकीन नहीं मानेंगे कि आपने बिरयानी घर में बनाई है। बिल्कुल यही टेस्ट आपको बाज़ार की जो बिरयानी आप लेकर आते हैं सेम वही टेस्ट आपको मिलेगा आपके घर में। तो यहाँ देखिए मैंने आलुओं को बॉयल करने के टाइम पर इसमें फूड कलर डाल दिया था। जो देगी बिरयानी होती है उसमें आलुओं पर भी कलर होता है और चिकन पर भी कलर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही खूबसूरत भी लगेगी और खाने में टेस्टफुल भी। तो यहाँ जी हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका था, आलू हमारे बॉयल हैं, बस आलूओं को हमने 2 मिनट इसके अंदर जो है अच्छे से भूनना है। तो यहाँ जी हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल हो जाएगा रेडी। आपने अब इस टाइम पे ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, अगर हम ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो हमारे आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं यानी कि गले हुए हैं, तो वो क्या होगा टूट जाएंगे। जब हम तेल लगाएंगे तो हमने क्या करना है, हम इसमें क्या करेंगे आप देखेंगे कि आपके आलू बिल्कुल सॉफ्ट हैं, गले हुए हैं ताकि टूटे नहीं। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है जिस टाइम पर आपने इस बिरयानी की तेल लगानी है। तो यहाँ जी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम चावलों को भी स्टैंड कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी यम्मी सी टेस्टी सी बिरयानी की हमने तेल किस तरह से लगानी है। तो यहाँ जी हम इसको फ्लेम को कर देंगे बंद। यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा, रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन फ़ायदेमंद होती है आपको, या जो नई बच्चियाँ किचन में आई हैं उनको कुछ सीखने को मिलता है। रेसिपी को फुल वॉच करा करें ताकि मेहनत ज़ाया ना हो। तो यहाँ जी मज़ेदार सी लजीज सी हमारी जो है बिरयानी का मसाला तैयार हो गया। अब इस मसाले में से मैंने तमाम जो मेरे आलू थे इसमें मसाले का तमाम टेस्ट आ चुका है, तो मैंने इसके अंदर से आलू को निकाल लिया है और चिकन हमारी इसके अंदर है, थोड़े से चने भी निकाल दिए हैं मैंने आलूओं के साथ, और इसके अंदर थोड़े से चने हैं और बाकी चिकन है, और बाकी जो है यहाँ मैंने आलूओं को जितने भी मैंने आलू डाले थे वो मैंने आलू निकाल लिए, चिकन उसके अंदर है। यहाँ जी हमारे आलू चावल भी अच्छे से बॉयल होकर इसको स्टैंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा मसाला है इसके ऊपर हम डालेंगे ये बॉयल राइस, यानी कि ये जो है हमने बॉयल को जो चावलों को बॉयल करा था वो इसके अंदर डाल रहे हैं। आलू अभी हमने नहीं डाले, अभी सिर्फ नीचे मसाला और हमारी चिकन है, और बहुत ही लजीज बनने जा रही है बिरयानी।
बिरयानी, बिरयानी को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ जी देखिए, हमने एक थे हमारी नीचे सालन की और चनों की, यानी कि चिकन और चनों की हो गई, ऊपर हमने डाल दिया राइस की एक तेल लगा दिए। उसके बाद जो हमने आलूओं को निकाला था, तो आलूओं के साथ मैंने थोड़े से चने भी निकाल लिए थे, वो अब हमने दूसरी तीसरी लेयर में हमने वो डाल दिए। इससे क्या होता है, आपके आलू नहीं टूटते और आलू का शेप ख़राब नहीं होता, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी। अब इसको हमने फैला दिया है आलूओं को, अब इसके ऊपर फिर हम दोबारा से एक चावल की लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर हम इसके जो हमने गार्निश लवाजमात जो हमने काटे थे, प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, वो डालेंगे। तो हम फिर उसके बाद इसको लगाएंगे दम पर। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनकर तैयार होगी। यहाँ जी हमने डालना है इसके अंदर फूड कलर, ठीक है, फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर से लाजमी डलता है बिरयानी में, आपके पास चाहे ज़ाफ़रानी फूड कलर हो या जरदई कलर हो, आप कोसा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ मैं खुशबू के लिए इसमें केवड़ा वाटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पुदीना डालेंगे, लीमू के स्लाइस डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। तो फिर इसको हम लगा देंगे जी दम पर। तो हमारी जो है दम हम लगाएंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट, ठीक है। और दम लगाने के बाद जब आप दम का फ्लेम बंद करेंगे, तो आपने उसको 4 से 5 मिनट बाद इसको फ्लेम करो, जब आपने बंद कर देना है फ्लेम को और आपका दम हो चुका है और आपने फ्लेम बंद कर दिया है, उसके बाद आपने 5 मिनट बाद जो है उसके कवर को खोलना है। उससे क्या होता है, खुशबू जो है बिरयानी की चावल के अंदर अच्छे से रच बच जाती है। छोटी सी टिप थी, एकदम से दम जब आप हटाएं तो आपने फ़ौरन से इसका कवर नहीं हटाना, तकरीबन 4 से 5 मिनट आप उसको रेस्ट दें, उसके बाद आप उसका कवर खोलेंगे तो आपके चावल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एक छोटी सी टिप थी, इसको ज़रूर आजमाइएगा, आपको खुद पता चलेगा कि ये टिप बहुत ही कारामद है और खुशबू के लिए लाजवाब एक छोटी सी टिप थी। तो यहाँ जी हमने तमाम चीज़ें डाल दी, अब हम इसको लगा देंगे दम पर। तो यहाँ जी हमने एक कपड़ा लिया है और उसकी जो लिड होती है उसके ऊपर लगा कर और नीचे तवा रख दिया और उसको हमने दम पर रख दिया था। तो यहाँ जी हमारा ये दम हो चुका था, हमने इसके अंदर तकरीबन 18 मिनट दम दिया था और दम देने के बाद हमने जो है 5 मिनट बाद इसके कवर को खोला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी यम्मी सी देगी बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ देखिए इसको हम जो है मिक्स करें, आप चावल का दाना देखें, आलू देखें, बिल्कुल खिले खिले हैं। देगी जैसे बिरयानी होती है ना, बिल्कुल सेम बिरयानी आप घर में बना सकते हैं अगर आप अच्छे से रेसिपी को फॉलो करें। तो यहाँ जी अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि आपने सर्व किस तरह से करना है। ये देखें, चावल का हर दाना खिला खिला है, कोई चावल का दाना नहीं दबा। तो आप इसको रायते के साथ सर्व करें, यकीन जाने घर वाले बाहर से बिरयानी मंगाना छोड़ देंगे और घर में ही आपसे बिरयानी तैयार करवाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निगत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार आज की बिरयानी बनकर तैयार हुई है, तो इसको बनाइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं भी सबकी वीडियो को ऊपर आती हूँ और सपोर्ट करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।